जो 19 साल तक ना हुआ आज हो गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त से बचने के लिए एक अनोखा काम कर डाला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के आखिरी टाकरे के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक ऐसा काम कर डाला जो 19 सालों के दौरान किसी भी इंटरनेशनल T20 मैच में किसी पाकिस्तानी कप्तान ने नहीं किया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। तफसीलात के मुताबिक सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। बाबर आजम ने 69 रन की शानदार इनिंग खेली जबकि फखर जमान 43 और उस्मान खान 31 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के तहकुम में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 168 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 178 रन के दिफा में बाबर आजम ने एक ऐसा काम कर डाला जो आज से पहले पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड से शिकस्त से बचने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 बॉलर को आजमाया जो कि इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। कोई भी पाकिस्तानी कप्तान इससे पहले एक T20 मैच में 8 बॉलर के साथ नहीं मैदान में उतरा। बाबर आजम ने शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शादाब खान, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद और सैम अयूब से भी गेंदबाजी करवाई। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।